समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, मैनपुरी प्रत्याशी डिंपल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक बार उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सांसद जी, एक थोड़ा दो सवाल करेंगे। लगातार आप कैंपेन कर रही हैं क्षेत्र में, 288,000 वोटों से आप पिछली बार जीती थी उपचुनाव, क्या वही मार्जिन रहेगा या कुछ ऊपर नीचे भी होगा? समाजवादी पार्टी, मैं समझती हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपको निर्णय जब आएंगे तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा सरकार इंडिया गठबंधन की बनाने में। प्रयागराज के जो अधिवक्ता उमेश पाल है, आज उनकी पत्नी जो है जयापाल, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव गुंडे माफियाओं की भाभी है, ये उनका आज का बयान है। अब ये उनकी सोच है, उनके विचार है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन जो प्यार और जो समर्पण सभी समाज का और सभी वर्गों का मुझे मिल रहा है, मैं सभी मैनपुरी क्षेत्र के लोगों की आभारी हूँ। एक आखिरी सवाल, आपने मुख्यमंत्री से पूछा था कि पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनकी जो विधवाएं हैं उनके मंगलसूत्र का हिसाब कौन देगा? मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आज उस पर आई है। उन्होंने ये कहा कि राम मंदिर पर जो राम भक्तों पर जो गोलियां चलाई गई थी उनकी विधवाओं का मंगलसूत्र का हिसाब कौन देगा? मैं समझती हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि किस तरह मणिपुर वाली घटना हुई थी। तब तो भाजपा के सभी बड़े नेताओं को साफ सूंघ गया था, उनकी सभी जो महिला नेता हैं जो अपने आप को महिलाओं की जो अपने आप को मानती हैं कि महिलाओं की नेता हैं और पुरुषों की भी नेता है, लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी नेताएं हैं महिला, उन लोगों को भी साफ सूंघ गया था। कोई निकल के बाहर नहीं आया था और किसी ने मणिपुर में बहस तक लोग में ये लोग शामिल नहीं हुए थे, और वहाँ मणिपुर के जो लोग थे उनको संसद में बोलने नहीं दिया गया। संसद में आप मणिपुर के लोगों को बोलने नहीं देंगे और इस तरह की बातें करेंगे? आपको महिलाओं से कोई प्यार नहीं है, आपको खाली अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के सिवा कोई काम नहीं है। आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारा युवा निराश है, आज हमारा किसान बदहाल है। आप दिल्ली को छावनी में बदल देते हैं अगर किसान MSP की मांग करता है। तो मैं समझती हूँ इस नकारात्मक राजनीति को हराने के लिए आज सारे समाज, सारे वर्ग के लोग एक साथ खड़े हैं। डिंपल यादव हमारे साथ मौजूद थी, वो लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं यहाँ पर और जीत का दावा कर रही हैं। इस बार बता रही हैं कि जो जीत का मार्जिन पिछली बार था वही रहेगा, और जो फिलहाल जो प्रतिक्रिया आई है मुख्यमंत्री की उस पर भी वो अपनी जो है जवाब दे रही थी और कह रही थी कि इस समय हर वर्ग का, हर समाज का आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ है और अपनी जीत का पुनः दावा कर रही है। पंजाब केसरी TV के लिए मैनपुरी से आफाक अली खान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।